नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत के जातिगत आंकड़े जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि आज गांधी जयंती के खास मौके पर बिहार सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार की तरफ से आज जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। इसे लेकर के तमाम दल के नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सरकार ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए अपनी खुशी को जाहिर किया। राहुल गांधी लिखते हैं, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार ने 90 सचिवों में सिर्फ 3 सचिव ही ओबीसी है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बता दें कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि अन्य पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी राज्य की आबादी का 63% हिस्सा है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधान मंडल में प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी, जिन्हें जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बड़ी पहल के बाद आखिरकार बिहार की जनता को ये पता चला कि आखिरकार उनकी आबादी कितने प्रतिशत है। जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है कि अब जितनी आबादी उतना हक मिले, ये विपक्ष का प्रण है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जातिगत जनगणना की मांग जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि इस पर केंद्र सरकार 2024 के चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।